हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलिंग बीज। आई होप आप लोगों ने हमारा इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, कैची धाम का। यस, और आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और अब हम जा रहे हैं कसार और हमें लगी है बहुत तेज भूख, इसलिए हम रुक गए रास्ते में इस कैफे में जिसका नाम है सुमन रेस्टोरेंट। और तान्या ने ऑर्डर क्या क्या किया जी? चाय और पकौड़ी और रायता, जो कि उत्तराखंड की स्पेशलिटी है, विद सम मस्टर्ड रायता, बहुत यम्मी होता है। हम ये खाएंगे और फिर हम आगे जाएंगे, फिर देखते हैं क्या। स्टे विद अस। मैं हूं कुमानी तरका रेस्टोरेंट में कसार देवी और मैं बना रहा हूं मेरे भाई के साथ खाना, जो यहां के ओनर है प्रकाश भाई। बहुत अच्छे दोस्त बन गए हैं मेरा। अपन मिलके बना रहे हैं चिकन करी। nice. फ्रेश चिकन है। यहां आना तो यहां पक्का खाना, मजा आ गया। साथ में मोमो की चटनी भी मिलने वाली है हमारे को। और ये मेरा नया दोस्त बना है विक्रम बुट्टा। इसका नाम बुट्टा है लेकिन है ये जवान। प्रकाश का बनाया हुआ खाना, मेरा बनाया हुआ खाना, मैं सिर्फ सर्व कर रहा हूँ। बहुत टायर्ड हो गए थे हम लोग, रात से हम ट्रैवल कर रहे थे, थोड़ी रात ट्रैवल किया हमने दिल्ली से यहाँ पे, एंड थोड़े टायर्ड थे इसलिए आफ्टरनून में थोड़ा सा सो गए थे। यहीं पे हमने लंच किया था और फिर हम यहीं आए हैं। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम चिल पीस टाइम। हम थोड़ा स्नैक्स करने वाले हैं, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड करने वाले हैं। बहुत क्यूट सा कैफे है ये, जब हमने लंच भी किया था सौम्य ने कुकिंग की थी प्रकाश के साथ। मेरा सभी दिखाता हूँ आपको। बहुत अच्छा था लंच भी, तो वी डिसाइडेड कि हम यहाँ पे कुछ स्नैक्स करते हैं और फिर डिनर का देखते हैं। या फिर उसके बाद हम डिनर करने के बाद होटल वापस जाएंगे। हम लोग मोक्षा होटल में रुके हुए हैं और ये जो रेस्टोरेंट है कैफे है हमारे होटल से जस्ट 2-5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस में है। तो इट वॉज रियली गुड एंड वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। Snacks done, wine done, it was really good. हम आए डिनर करने के लिए एक नई जगह पे, नए रेस्टोर में। इसका नाम है The Kasar Kitchen. Yes. The Kasar Kitchen. यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर किया है यहाँ का लोकल थाली, जिसके अंदर बहुत सारे वेजिटेबल्स और चिकन करी वगैरह होंगे। कुमाऊनी थाली, रायता भी होगा। जब वो आइटम आएगा तो हम आपको दिखाएंगे, बट उससे पहले हम आपको इस रेस्टोरेंट का बहुत टेंटन है कम। ये यहाँ पे मेरे मित्र राजू भाई, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन में है ये रेस्टोरेंट। मेरे मित्र राजू सब कुछ लेके आ रहे हैं, हमारी कुमाऊन थाली। अब राजू बताएंगे क्या क्या है इस डिश के बारे में। ये स्टार्ट होता है यहाँ से आपका। ये है भांग की चटनी,
रोस्टेड हैंड सीड चटनी रहेगी, नशा नहीं होगा, और ये मिंट चटनी नॉर्मल जैसे रहती है अपनी, और देन ये पिसा नून रहेगा, गार्लिक और क्या बोलते हैं नमक और जीरा पाउडर और लहसुन का, देन आपका ये कुमाऊनी चिकन करी रहेगा पहाड़ी स्टाइल, देन ये गहत की दाल रहेगी, गहत की दाल कुंद की दाल भी बोलते हैं, हॉर्स ग्राम बोलते हैं वैसे, देन आपका ये ड्राई चना रहेगा, आलू के कुटके सब जगह कॉमन होते हैं तो हम ड्राई चना देते हैं यहाँ पे, ये हरी सब्जी रहेगी आपकी, आलू लाई पालक मिक्स रहेगी, ये आपका कुमाऊनी रायता रहेगा, कुकुम्बर रायता मस्टर्ड फ्लेवर में, रेड राइस खीर रहेगी ना, और ये घी रहेगा, गुड़ रहेगा, और रागी रोटी आपकी आ रही है जी। एंजॉय। थैंक यू राजू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। मुझे घी की रोटी के लिए। हाँ, ये रोटी में लगा के गुड़ हम क्या करते थे पहाड़ी, हम रागी रोटी में घी लगाते थे और गुड़ के संग कटनी मार के खाते थे पहले से, तो एक कॉम्बिनेशन टाइप का कर दिया हमने कि आप स्वीट भी यूज कर सकते हैं वैसे भी, और ये रेड राइस की रही। एंजॉय। राजू ने बड़े प्यार से हमारे को डिनर सर्व किया, थाली आइटम दिखा के दोबारा मैं बोर नहीं करूंगा, तानिया करेंगी टेस्ट और बताएंगी कैसा कैसा क्या लगा। ये दाल तो बहुत ही यम्मी है, बहुत ही डिलीशियस। ये चिकन कड़ी है, बहुत रायता विद मस्टर्ड, एंड फाइनली स्वीट डिश राइस पुडिंग। Let's enjoy the dinner. Must try. Oh, बहुत खाया, मजा आ गया, मैं तो यहीं सो रहा हूँ, खाना तुम्हें जहाँ जाना जाओ मैं चला यहीं सो। आज की रात खत्म, मैं चला सोने, अब हम मिलेंगे कल।